देखिए एडमिट कार्ड है, ये जो फॉर्म है आपको दिखाएंगे कि एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ है, ठीक है। एक लड़का का ही तो मेरा नहीं, मेरा तो हो ही नहीं रहा है, लॉक हो गया है और उसका फोटो ही नहीं है इसमें, एडमिट कार्ड में फोटो नहीं है। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा, ये भी जबलिंग एक तरह से बोल सकते हैं, ये भी जबलिंग यहाँ पर हो रहा है। और आपको बता रहे हैं कि ये वेबसाइट बिना आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ नहीं हो रहा, हम परेशान हैं इसलिए ना आए। अगर होता तो हम पढ़ने, ये पढ़ने को छोड़ के यहाँ आते हैं, किताब में जो बैग जो है किताब लेकर लाइब्रेरी में छोड़ कर यहाँ आए, दो दिन से परेशान है। अब इसी के लेकर वेबसाइट करते रहे, जीमेल करते रहे कि उधर पढ़ेंगे, यही धंधा यहाँ झारखंड में है। जेएससी जाइएगा, जेएससी का फॉर्म भरिएगा तो जेएससी ऑफिस जाना पड़ता है, जेपीएससी के फॉर्म भरिएगा तो जेपीएससी ऑफिस आना पड़ता है। ये सब पहले लग रहा है कि यहाँ सब लड़का पहले आ रहा है कि रिजल्ट से पहले सब इंटरव्यू के लिए यहाँ आया, ऐसा यहाँ जेपीएससी ऑफिस कर दिया। बताइए हम लोग के यहाँ राज्य का जो लड़का नहीं देखा होगा जेपीएससी ऑफिस, वो भी आके यहाँ देख लेगा कि जेपीएससी ऑफिस झारखंड के किस जगह में है। तो एग्जाम का सिटी के लिए ट्रेन बुक उधर कराएगा, बस बुक उधर कराएगा कि सब आदमी इधर ही आएगा, फिर इधर से फिर उधर जाना पड़ेगा। आप ही बताइए, छात्र बेरोजगार हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, एक तो पैसा नहीं है, एक तो किसी तरह पढ़ रहे हैं, तो यहाँ जेपीएससी ऑफिस आएगा कि फिर वहाँ जाएगा। तो ये सरासर गलत है, वेबसाइट जल्द से जल्द ये सुधारे और ये कोई धांधलीबाजी नहीं होना चाहिए ना। अगर होगा तो यहाँ रोड जाम हम लोग कल करेंगे, अगर मेरा डाउनलोड एडमिट कार्ड नहीं हुआ तो, अगर किसी तरह किंतु परंतु हुआ तो, इसलिए क्योंकि बहुत दिन से हम परेशान हैं इसके लेकर, बहुत परेशान है। 12 तारीख से बोल दिया जा रहा है कि यहाँ वेबसाइट में कि एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, अब एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, नींदे नहीं आ रहा है, और दिन में बतिया का 4 को टेलीफोन नंबर दिया है, दिन भर बिजी रहता है, कहाँ से बात इन लोग करता है, कौन स्टूडेंट से बात करता है भगवान जाने। यहाँ जितना स्टूडेंट आया था हम पूछते हैं सबको तो बोलता है कि बातें नहीं होता है, सब बिजी बता रहा है, बिजी बता रहा है, कौन सा स्टूडेंट से इन लोग से बात करते हैं भगवान जाने। और आज अप्लीकेशन दिए जो जेपीएससी के अध्यक्ष मैम से मिलने के लिए, लेकिन मिलने नहीं दे दिया गया, मिलने नहीं दिया गया। उन लोग बोल रहे हैं कि यहाँ सिक्योरिटी लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग का जो है बैठक चल रहा है इसलिए आप लोग से नहीं दे रहे हैं। तो एक अंदर से आया आदमी, वो कौन कर्मचारी था या क्या उसको नहीं पहचान रहे हैं, तो फ़ोन के माध्यम से बातचीत करवाए हैं कि जीमेल के माध्यम से तमाम जितने भी स्टूडेंट हैं जीमेल के माध्यम से कीजिए, हम लोग सबका मतलब हल करेंगे। अगर फिर कल तक में, आज तक में बोले कि हल हो जाएगा। धनबाद और गिरडी का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक, यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन, 512 स्लाइस, कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा, बरकंडा गिरडी, बैंक मोड़ और सराय थेला, धनबाद।